भी निकाला और बहुत गंभीरता के साथ अपनी बातें रखी। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कशन हुआ है उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है, दुनिया के अनुभवों को भी शेयर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने कि ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है, भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। कोरोना संक्रमण से जुड़े जो प्रेजेंटेशन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है। आज मैं प्रारंभ में कुछ मुख्यमंत्रियों से बात की थी जहां स्थिति जरा बिगड़ रही है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन की स्थिति और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं हुई है, एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है, हमें तो इन चीजों को ऑथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन फिर भी काफी चित्र स्पष्ट हुआ है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती एक अनजान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फैटलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। आगे की रणनीति बताते समय हमें बीते कुछ महीनों के दौरान देश के लोगों ने, हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, कोरोना के दौरान भारत के लोगों का व्यवहार भी एक तरह से अलग अलग चरणों में रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। जैसे हम मोटा मोटा देखें तो पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा, और पूरी दुनिया का ख्याल था, हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था, और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी, पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। इसके बाद धीरे 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 दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लग रहा कि भाई इसको कोरोना हो गया, मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे,
उनको लगा कि ये तो बताना नहीं चाहिए, कुछ समाज में मैं कट जाऊंगा। अब उसमें से भी हम धीरे धीरे समझे, लोग बाहर आए, तीसरा चरण शुरू हुआ और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे, अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए, जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप लोगों को समझाने लगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है, हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हाँ, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं, थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। जो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ ना हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं ये हम मान के चले, इतना बड़ा देश दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा, आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है। साथियों, आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था, तो आपको पूरा चार्ट बताया कैसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हमारे यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंताजनक है ही है, इसलिए हम सभी को, शासन प्रशासन को पहले से भी अधिक जागरूक अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी, टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि एक क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, दो क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए, जो घरों में आइसोलेटेड मरीज हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी। आप भी जानते हैं कि अगर वहां थोड़ी भी ढिलाई रही तो मरीज बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर है, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए, और वो भी मैंने जैसे कहा छोटे छोटे इलाके में देखा जाए एक मृत्यु हुई क्यों हुई, जितना इतना फोकस करेंगे तब स्थिति को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियानों में कोई कमी ना आए, कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी मैसेजिंग है इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा। जैसे कुछ समय पहले हर संगठन, हर प्रभावी व्यक्ति को हमने एंगेज किया था,
उन्हें फिर एक्टिव करना होगा। साथियों, आप भलीभांति परिचित हैं कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही है। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की एक डोज होगी, दो डोज होगी या तीन डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कॉम्पिटिशन है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं, WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चर के साथ भी, हमारी जो भी टीम काम कर रही है, पूरी तरह संपर्क में है। इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितनी यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा, हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी। मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां ये संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें, यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी, और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमिटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं,
कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा, और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी। और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है, राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने, यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज मेरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात करने का मुझे अवसर मिला, आंध्र से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबह, एक साइक्लोन हमारे पूर्वी तट पे एक्टिव हुआ है, वो कल शायद तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र का कुछ हिस्सा वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं। मैंने आज दो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, आंध्र के मुख्यमंत्री जी से अभी इसके बाद बात करूंगा। लेकिन सबके लिए पूरी तरह भारत सरकार और राज्य सरकारें मिल करके, और पहला काम खाली करवाना, लोगों को बचाना, इस पर हमारा जोर रहे। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आप सबने समय निकाला, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ न कुछ जानकारियाँ भेजिए। धन्यवाद।